बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने हम स्कैजुलिंग की मतलब बिल्कुल पीक जो है और स्कैजुलिंग के बहुत क्रिटिकल फंक्शंस जो है वो हमने कल देखे थे, जिसके अंदर क्रिटिकल पाथ मेथड और जिसके अंदर हमने फ्लोट कैलकुलेट करना और यू नो अर्ली स्टार्ट टाइम अर्ली फिनिश टाइम और इस तरह की चीज़ें हमने कल देखी थी। फिर हमने दो तीन पॉइंट्स और देखे और उसके अंदर वी सॉ कि यार हम किन किन ऑप्शंस को यूज़ करते हुए अपने प्रोजेक्ट के स्केड्यूल को कंप्रेस कर सकते हैं। और उन ऑप्शंस में जो हमने कल देखी थी उनके अंदर हमने फास्ट ट्रैकिंग को देखा, हमने क्रैशिंग को देखा और फिर हमने कहा कि एक ऑप्शन ये भी होती है कि हम स्कोप को रिड्यूस कर दें, एक ऑप्शन शायद ये भी हो सकती है कि हम क्वालिटी को कट कर दें और फिर हमने कुछ और भी देखी थी जिसके अंदर हमने कहा था कि जी हम रिस्क को कम कर दें। सो नाउ लेट्स कंसीडर, ये सारी ऑप्शंस हमने देखी और इनके बारे में बहुत सारी बातें की। एक दफ़ा ज़रा क्विकली हम ये देख लें कि फास्ट ट्रैकिंग के अंदर या करने के हमें क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट्स देखने पड़ते हैं। ज़ाहिर है पॉजिटिव तो ये होगा कि हमारा प्रोजेक्ट जल्दी हो जाएगा, लाइक स्केड्यूल कंप्रेस हो जाएगा और ये स्केड्यूल कंप्रेशन की टेक्निक है, बट अदर देन दैट आपके ख्याल में क्या इफेक्ट आएगा बिकॉज ऑफ फास्ट ट्रैकिंग? बाकी आपके जो जो कंकरेंट चीजें चल रही हैं वो स्लो हो जाएंगी। नहीं, या आप कहने के देयर माइट बी अ रिस्क फैक्टर, जब आप पैरेलल में चीजों को करते हैं कंकरेंटली करते हैं, दो से तीन चीजें इकट्ठी जो एक्टिविटी लॉजिकली सीक्वेंस में होनी थी अब आपने उसको पैरेलल में शुरू कर दिया, तो ऑब्वियसली उस केस में रीवर्क जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने का अंदेशा होता है और अदरवाइज इस तरह के रिस्क जो है वो बढ़ जाते हैं। एंड देन पैरेलल करने के लिए आपको कोऑर्डिनेशन वर्क जो है वो बढ़ जाता है। अच्छा, उसके बाद क्रैशिंग के अंदर क्या हमें लाइक इसकी बड़ी ऑब्वियस सी यू नो इफेक्ट होता है वो कौन सा है? क्रैशिंग थी क्या? क्रैशिंग था एडिंग एक्स्ट्रा रिसोर्सेज या आप एडजस्ट करते हैं रिसोर्सेज को, जिसमें आप मे बी मशीनरी इक्विपमेंट और इस तरह की बातें थी अगर आपको याद हो। सर, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की वजह से कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट हमारी कंफर्म बढ़ जाएगी। गुड। और रिस्क के केस में रिस्क मे इंक्रीज, एक्चुअली हम कहेंगे कि थोड़ा सा, और इसी तरह मे बी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की वजह से आप एक जगह से रिसोर्सेज को पुल करके दूसरी जगह लगा रहे हो तो उसकी वजह से भी समटाइम्स मैनेजमेंट का टाइम भी शायद एडिशनली आपके पास आ जाता है, बट फॉर श्योर जो चीज़ होती है वो है ऑलमोस्ट ऑल द टाइम वो कॉस्ट ज़रूर बढ़ती है। अच्छा, उसके बाद स्कोप को रिड्यूस करने का क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होगा? एक्चुअली क्या क्या पॉइंट्स इसमें देखेंगे? फायदा तो यही है कि आपका ओवरऑल काम काम कम हो जाएगा, कॉस्ट भी हाँ कॉस्ट भी अच्छी चलेगी, बिल्कुल हर चीज अच्छी चलेगा। और एंड नेगेटिव क्या है इसके? नेगेटिव भी यही कहना है कि आपका स्कोप स्कोप कम हो जाएगा। एक्चुअली कस्टमर जो है वो डिससैटिस्फाई हो सकता है, ठीक है, वो उस पे प्रॉब्लम आ सकता है। अच्छा, सो हमारा कॉस्ट वगैरह से बच जाएगी, जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है ना उसको इफेक्ट आएगा, क्वालिटी कम करने का भी ऑलमोस्ट यही नतीजा होगा। सॉरी, अगर हम देखें तो क्वालिटी के केस में भी हमें कॉस्ट वगैरह तो बच सकती है लेकिन रिस्क इंक्रीज हो सकता है। रिस्क इन टर्म्स ऑफ वो जो चीज़ हम बना रहे हैं जाहिर है लो क्वालिटी की बनानी है तो वो डैमेज वाला रिस्क एक वो वाला फैक्टर है, अदरवाइज भी कुछ रिस्क है। लाइक आप अगर सोचें कि आपने एक फ्लाई ओवर बनाया है और वो गिरने का अंदेशा है या अदरवाइज पुअर क्वालिटी है तो लीगल एक्शन भी आपके खिलाफ हो सकता है, उसके गिरने की वजह से भी रिस्क हो सकते हैं एंड सो ऑन। बट एक जो और सबसे बड़ा रिस्क है ना एंड पे वो ये होगा कि कस्टमर मे नॉट एक्सेप्ट इट, ठीक है। अब ये जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इफेक्ट होगी या वो मजबूरन इसे एक्सेप्ट तो कर ले बट एट द एंड ऑफ द डे वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ है कि क्वालिटी जो है ना ये मॉनिटर करना, क्वालिटी इसके लिए आपको बहुत टाइट मैट्रिसेस यूज करते हैं। हम क्वालिटी मैनेजमेंट में पढ़ेंगे कि क्वालिटी किस तरह हम मॉनिटर करते हैं या क्वालिटी के अंदर है क्या, बट रादर आई वुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी कि थोड़ा सा आपको क्वालिटी का इंट्रोडक्शन एट दिस स्टेज दे दूँ। क्वालिटी के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले आपको एक स्कोप बताया जाता है, ठीक है। अब जब वो स्कोप बताया जाता है, चाहे कस्टमर ने बताया चाहे आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में है, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स भी आपको बताई जाती हैं। अब या तो आपको क्वालिटी की डायरेक्ट रिक्वायरमेंट्स बता दी जाती हैं कि जी हमारे प्रोजेक्ट पे क्वालिटी की ये रिक्वायरमेंट होगी,
एंड व्हेन आई से क्वालिटी की यही रिक्वायरमेंट होगी तो उसके अंदर हर काम की लाइक सिविल वर्क की ये हो सकती है, इलेक्ट्रिकल जो है वो आपका यूरोपियन स्टैंडर्ड वो करना है, पावर जो कि इंसुलेशन यूज करनी है वो इतने इतने कॉपर केबल्स होंगी, 99.9% कॉपर होगी एंड सो ऑन। तो ये जो आपको या तो क्लियर कट रिक्वायरमेंट्स बता दी जाएंगी या फिर कस्टमर में भी कस्टमर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट ना हो, आपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए खुद एस्टेब्लिश करना है कि कौन सी क्वालिटी की चीज़ें हमें यूज़ करनी है। लाइक अगर मैं आपको ये कहूँ कि यार मुझे 4-story बिल्डिंग खड़ी करनी है जिसमें एक बेसमेंट भी शामिल होगी या 2 basements पार्किंग लॉट है और ऊपर 4 stories हैं, तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर I might not be an expert कि मैं आपको बता सकूं कि जो सरिया यूज़ करना है वो कितने गेज का होगा, जो कॉलम होगा उसकी क्या विड्थ होगी और क्या डेप्थ होनी चाहिए, जो मैंने उसके अंदर क्रश यूज़ करनी है, जो मैंने सीमेंट करना है वो उनका मिक्स क्या होगा मुझे नहीं पता। तो समटाइम्स आपको क्लियर कट एक्सप्लिसिटली नहीं बताया जाता, बट एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर विद योर एक्सपर्ट्स विद योर टीम आप खुद इस्टेब्लिश करते हो कि क्वालिटी क्या होगी। So, जब आप क्वालिटी के सारे तरीके सॉरी सारे स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश कर लेते हो कि मेरे प्रोजेक्ट के हर हर काम पे ये क्वालिटीज होंगी, इवन इंक्लूडेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की क्वालिटी, क्या हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किस तरह क्वालिटी की करनी है, कौन सा स्टैंडर्ड यूज करना है, सो ये सब आपने जब एस्टैब्लिश कर लिया तो फिर आप ये सब प्लान के अंदर हो रहा था, प्लान क्वालिटी के अंदर, फिर आप कहते हो कि यार अच्छा इस क्वालिटी को अचीव करने के लिए अब मैं क्या क्या स्टेप्स करूँगा। लाइक जब मटेरियल आएगा क्या मैं उसे चेक करूँगा, 10,000 ईंटें आई हैं तो कुछ उनकी स्ट्रेंथ मैं चेक करूँगा, जो सीमेंट है उसकी कोई ग्रैनुलरिटी लाइक कितना बारीक है वो चेक करूँगा, किसी मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड करूँगा, वट एवर ये कैसे कैसे करूँगा, हर स्टेप पे क्या इंस्पेक्शन करूँगा, क्या चेक करूँगा, माल आएगा मिक्स होगा लगेगा तो हर स्टेज पर मैं क्या क्या चीज़ें चेक करूँगा, ये जो मैंने प्रोसेस एक तरह से डिफाइन किया है या मैथड डिफाइन करूंगा कि मैं किस तरह अपनी क्वालिटी को इंश्योर कर सकता हूं, और इसके लिए हर स्टेप पे मैं कुछ ना मैट्रिसेस यूज कर रहा होता हूं। आप कह लें कि अपने पास मेरे को शीट्स होती हैं, मेरे पास लिस्ट होती है, मैं उनको देखता हूं कि अच्छा यार ये हो गया या नहीं हुआ, अच्छा इसको यूं प्लॉट करके देखो, इसको यूं प्लॉट करके देखो वगैरह वगैरह, हम बड़ी मैट्रिसेस एक एक स्टेप पे चेक करते हैं, फिर हम उसको ऑब्वियसली जब चीज बनती है तो उसको हम वो आपको याद होगा डिलीवरेबल वो क्वालिटी कंट्रोल में जाता है, तो मैं वहाँ पे भी डिसाइड करता हूँ कि यार मैं वो जो डिलीवरेबल आएगा उसको किस तरह अगेंस्ट द डिजायर्ड क्वालिटी है जो अभी हमने डिफाइन की है, अब हम उसको चेक करेंगे कि यार ये जो ऑल्दो हम पूरे प्रोसेस के दौरान उसको क्वालिटी चेक करते रहे इंश्योर करते रहे बट स्टिल वी वॉन्ट टू सी कि यार वो जो चीज़ एंड प्रोडक्ट बनी है वो हमें डिजायर्ड क्वालिटी की मिली है या नहीं मिली। हो सकता है मैंने ये सारे स्टेप्स तो किए हों लेकिन ये सफिशेंट ना हो, दैट मीन्स मे भी मुझे अपने इन प्रोसेस को भी रिवाइज करने की जरूरत है। सो ये सारा का सारा प्रोसेस ना बड़ी यू नो क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है, आपको मैट्रिसेस जो है वो साथ के साथ करनी पड़ती हैं। अगर आप अपनी लाइफ में किसी तरह किसी स्टेज पे किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे या अदरवाइज पर्सनल लाइफ में भी कुछ ऐसी स्टेजेस पे रहे हो जहाँ पे मतलब गुजरे हो कि आपको एक बड़ा इवेंट या ट्रिप या कोई भी इस तरह की चीज़ प्लान करनी है और जब आप एक या दो या तीन चीज़ें कर लेते हो तो उसके बाद कहते हो कि यार सिचुएशन टाइट है, लेट्स से आपके पास पैसे कम हैं या वट एवर, और अभी आपको 4-5 और दिन गुजारने हैं या 4-5 दिन सॉरी एक्टिविटीज़ और करनी है और उसके पास फंड्स जो हैं वो कम है, तो आपको एक आइडिया होगा कि आप समटाइम्स क्या कहते हो, अच्छा यार मैं 2 रुपये इधर से बचा लेता हूँ, अच्छा यार 5 रुपये इधर से बचा लेता हूँ, अच्छा इतने से बचा लेता हूँ, अच्छा अब ये फिर बड़ा क्लोजली आपको मॉनिटर करना होता है, एक एक पैनी जो आप खर्च कर रहे होते हो उसको आप बड़ा क्लोजली मॉनिटर करते हो, ओनली देन वो जो आपको जो रिड्यूस्ड इफेक्ट है वो मिलता है, यानी कि आपकी कॉस्ट कंट्रोल में आती है। सो इसी तरह क्वालिटी के केस में भी आपको बड़ी क्लोज मैट्रिसेस देखनी पड़ती हैं इस केस में। अच्छा जी, अब एक और आपके सामने है क्रैशिंग की एक क्वेश्चन है या एक एस्पेक्ट है जो हमारा रहता है। आपको अभी आपने कहा कि जी क्रैशिंग का सबसे ज़्यादा इफेक्ट ये आता है या ऑब्वियस इफेक्ट या ऑलमोस्ट कन्फर्म इफेक्ट ये है कि हमारी कॉस्ट बढ़ेगी। सो हमने ये देखना होता है कि यार वो जो एडिशनल कॉस्ट है वो कितनी है, और हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं और उनमें से हम वो वाला ऑप्शन चूज करते हैं जो सबसे कम कॉस्ट जिसकी हमें पे करनी पड़े। अब एक प्रोजेक्ट है जिसका फ्लोट है माइनस थ्री मंथ्स, आपके ख्याल में इसका क्या मतलब है माइनस थ्री मंथ्स का यहाँ पे?
बिहाइंड स्केड्यूल हम 3 महीने अपने स्केड्यूल से पीछे हैं, नेगेटिव फ्लो का ये मतलब है। अब हमें कुछ ऐसी टेक्निक करनी है, यानी कि क्रैशिंग करनी है, कि हम अपना लेट से और कोई ऑप्शन नहीं है और क्रैशिंग करनी पड़ रही है, और हम क्रैशिंग अगर करते हैं तो हम ये 3 महीने कवर करना चाहेंगे, लेकिन उसकी कुछ कॉस्ट है। अब आपके सामने एक टेबल है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, उनका ओरिजिनल ड्यूरेशन मंथ्स में ये लिखा हुआ है 49.3। उसके बाद क्रैश ड्यूरेशन जो है वो 14 के बजाय, अगर आप पहली एक्टिविटी को देखें तो 14 के बजाय 12 है, या 9 के बजाय 8 है। लेकिन ये जो हम क्रैश कर रहे हैं पहले में, अगर देखें तो 2 मंथ्स मैं सेव कर रहा हूँ 14 के अगेंस्ट 12, दूसरे में 1 कर रहा हूँ, तीसरे में भी 1 कर रहा हूँ, एंड सो ऑन। सो क्रैशिंग के बाद जो मेरा टाइम सेव होता है वो ये है, और ओरिजिनल कॉस्ट ये थी एंड क्रैशिंग के कॉस्ट ये है। सो माई मीन्स अगर मैं 10,000 खर्च करता हूँ तो मैं 14 डेज में ये एक्टिविटी ये ख़त्म करता हूँ, और अगर मैं 14,000 कर लूँ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज ऐड करके तो मेरा ड्यूरेशन कम हो रहा है। सो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट मुझे पे करनी पड़ी है वो 4,000 है। सो 10,000 के अगेंस्ट 4,000 सॉरी मुझे एक्स्ट्रा देनी पड़ रही है यहाँ पे, लेकिन उसके बदले में 2 महीने अपना टाइम सेव कर रहा हूँ। इसी तरह कॉस्ट पर मंथ वो ये वाला कॉलम है। अच्छा, अब मैं मतलब ये 2 महीने उसने कॉस्ट सेव की ना, तो 4,000 टोटल है और 1 महीने की 2,000 हो जाएगी। अच्छा, अब मैंने वो कॉम्बिनेशन देखना है जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा यू नो अट्रैक्टिव होगा या सबसे ज़्यादा फिजिबल रहेगा। सो लेट्स कंसीडर इट कि मुझे 3 मंथ रिड्यूस करने हैं तो क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। एक कॉम्बिनेशन ये है कि मैं एक्टिविटी जे और के दोनों को यहाँ पे उनके क्रैशिंग करूँ और मेरे पास ये 2+1 3 मंथ्स की सेविंग आ जाएगी, एंड उसकी मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट जो पे करनी पड़ रही है वो 4,000+10,000, तो मेरे पास 14,000 मुझे इस काम का पड़ रहा है। एक और ऑप्शन मैं देखता हूँ कि एक्टिविटी जे एंड एन को देखूँ, तो यहाँ पे क्या होगा 2+1, अगेन वो हमारा टारगेट ऑफ 3 मंथ्स पूरा हो रहा है, और लेकिन इसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी 4,000+1,000 5,000। सो ये पिछले वाले से तो सस्ता है, मेरे ख्याल में हम इसको रख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं अगले में क्या है कि एक कॉम्बिनेशन ये बनता है कि के और एल को हम साथ करें, और यहाँ पे भी 3 मंथ सेव होते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा कॉस्ट अगर मैं देखूँ तो 16,000 है, 10+6 16,000। और इसी तरह अगर मैं एन और एल को देखूँ तो यहाँ पे कॉस्ट 1+6 7,000 बनती है, और अगर मैं सिर्फ एम को अकेला कर लूँ इवन देन 3 मंथ्स है और कॉस्ट 9,000 है। तो मेरे ख्याल में जो बेस्ट सबसे सस्ती चॉइस हमारे पास आ रही है वो है जे और एन को कंप्रेस करना, और उसकी मुझे जो कॉस्ट है वो ओनली 5,000 है। सो दिस वे वी कंसिडर कि यार पहली बात तो ये कि मुझे कितना पैसा लगा के कितना फ़ायदा हो रहा है। लाइक अगर मैं देखूं कि मुझे यहाँ पे 5,000 लगा के 3 मंथ्स का मैं एडवांटेज या फ्लोट जो है वो नेगेटिव फ्लोट ख़त्म कर रहा हूँ, सो या 3 मंथ्स अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा जल्दी ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ या उन एक्टिविटीज़ को, ताकि मेरा ये नेगेटिव फ्लोट ख़त्म हो जाए। यहाँ पे आपको 14,000 कॉस्ट पे करनी पड़ी है, तो ये आपने कॉस्ट जो पे करनी पड़ती है उसके अल्टरनेटिव्स को कंसीडर करके और फिर बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन जो है वो आप ले लेते हो। अच्छा, क्वेश्चन जी श्योर। मसलन अभी जे एन एन पे अपने 5,000 लगा लिए, ये हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनाते हुए क्यों नहीं कंसीडर करते हैं? हाँ, अगेन ये हम अगर पॉसिबल हो सकता है तो हमें उस वक्त ऑप्टिमम कंडीशंस हम उसी वक्त करेंगे, लेकिन आपकी कॉस्ट इससे एडिशनल है, ये 5,000 आपके बजट से ज़्यादा है। उस वक्त हमने ये सोचा था कि अगर जो मतलब जो भी दूसरी एक्टिविटीज़ हैं वो टाइम पे ख़त्म होंगी और ये नेगेटिव 3 मंथ्स का फ्लोट नहीं आएगा, तो उस सूरत में एट द स्टार्ट ऑफ द टाइम मतलब वो प्रोजेक्ट हमारे पास 3 मंथ्स का कोई इशू नहीं था। हम कह रहे थे कि हम अपने प्रोजेक्ट को अपने टाइम पे ख़त्म करेंगे जो हमने प्लान बनाया, देन वाई टू स्पेंड दीज 5,000 एक्स्ट्रा। उस वक्त तो हम ये देख रहे थे ना कि लीस्ट खर्चे में हम बेस्ट रिजल्ट कैसे ले सकते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली हमने किया बिकॉज ऑफ सम मे बी उस वक्त हमारे प्लान के अंदर यही मसला हो कि हमारा प्लान रियलिस्टिक नहीं था और 3 मंथ्स का आया इसलिए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये जो डिले है मोस्ट प्रॉब्ली किसी और एक्टिविटी पे शायद हो रहा हो, ये भी हो सकता है जे पे हो रहा हो, ये भी हो सकता है एन पे हो रहा हो, जिसकी वजह से नेगेटिव फ्लोट आया। सो एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जब हम प्लान कर रहे होते हैं उस वक्त तो हम ये देखते हैं कि भाई मेरे पास जो टोटल ड्यूरेशन है अगर वो प्रोजेक्ट के टारगेट ड्यूरेशन या वो जो कंस्ट्रेंट हमें चार्टर के अंदर लिख के दिया कि इसके अंदर अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है,
उसके अंदर हो रहा है और 5,000 ये वाले एक्स्ट्रा लगाए बगैर हो रहा है, तो ऑब्वियसली आई वुड ट्राई कि मैं ये वाला अचीव करूँ। ये तो अब हमारे पास सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट हो गया है। अब जो 3 महीने का नेगेटिव फ्लोट आ गया मीन्स हमारे प्रोजेक्ट से 3 महीने पीछे जा रहे हैं। अब हम देखेंगे कि यार क्या हम इसी नेगेटिव फ्लोट के साथ क्या हमारे लिए प्रोजेक्ट लेट करना यू नो प्रेफर्ड ऑप्शन है, या हमारे पास कॉस्ट के अंदर कोई मार्जिन है बजट के अंदर रहते हुए में भी, या इवन अगर मैंने कोई कॉन्टीजेंसी का सोचा था। अच्छा एक चीज मैंने आपको कल रिस्क के अंदर अभी बताई नहीं है, वो शायद आपको अंदाजा होगा बाद में, कि समटाइम्स हम अपने रिस्क के लिए कोई प्लान नहीं बताते, बट हम अपने रिस्क के लिए प्लान बनाए बगैर उसके लिए कुछ फंड्स रख रखते हैं। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले हैं उनको याद होगा कि एक्सेप्टेंस वॉज अ स्ट्रेटजी टू एक्सेप्ट द रिस्क, और इसमें 2 पॉइंट्स होते थे, एक होता था एक्टिव एक्सेप्टेंस और एक थी पैसिव एक्सेप्टेंस। तो पैसिव एक्सेप्टेंस में एज सच मैं कोई प्लान नहीं बनाता, ठीक है, मैं कहता हूँ कि यार अच्छा जब होगा तो फिर देखेंगे, करेक्ट। एक्टिव एक्सेप्टेंस के केस में भी मैं प्लान नहीं बनाता, बट मे बी मैं यहाँ पे कुछ फंड्स रखूं। अब ये वो फंड्स लेट से मेरे पास पड़े हुए, अब मुझे उसके अंदर मैनेज करना है, तो मे बी आई वुड से कि मेरे पास 6,000 तो पड़ा हुआ है, प्लान क्या है, जे और के को करूं, जे और एन को करूं, के एंड एल को करूं, तो ये मैं उस वक्त देख सकता हूं। एक ये पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है, और दूसरा मैंने कहा कि यार अगर आपके पास एक्स्ट्रा नहीं भी पड़ा हुआ और अब आपके पास ऐसा सिनेरियो आ गया कि यार टाइम बचा लें, लेट्स प्रोजेक्ट खत्म करें या बजट में ऊपर चले जाएं, तो ये इट डिपेंड्स। मतलब अगर मैं कहूँ $5,000 लगा के 2 एक्टिविटीज पे मैं अपने 3 मंथ सेव कर रहा हूँ, तो मे बी प्रोजेक्ट मैनेजर वुड प्रेफर दिस थिंग। बट अगेन इट डिपेंड्स कि टाइम ज्यादा इम्पोर्टेंट है या आपके लिए कॉस्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, अब मैं आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन दानिश। जी सर। ओके सॉरी। अच्छा और क्या था, क्या मैंने, हाँ एक ये लास्ट टेबल में इस पे अगर देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर ये जो लास्ट लिखा हुआ है कॉस्ट पर मंथ, इसका कोई रोल नहीं है, दिस इज जस्ट एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो एग्जाम के अंदर समटाइम्स आपको कोई ना कोई एक्स्ट्रा चीज दे दी जाती है, यू हैव टू बी क्लियर एंड कॉन्फिडेंट कि भाई मेरा ये काम की नहीं है, इसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ, ठीक है, अदरवाइज आपके लिए ये बड़ी परेशानी होगी यार इसको तो मैंने यूज ही नहीं किया। ये फिर समझ आती है कि यार ठीक है 10,000 और 4,000 ये जो सेविंग हुई है वो 4,000 की हुई है, ऑल्दो मैं इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर रहा, बट इट मेक सेंस कि यार ये 4,000 कहाँ से आ गया, इसी तरह 17 and 27 तो ये 10,000 कहाँ से आ गया, ऑल्दो हम इस फिगर को यूज कर रहे हैं। ये वाला कॉलम ना भी होता तो फिर हम इससे ये खुद ड्राइव कर लेते, और अगर ये 2 ना भी होते तो फिर भी हमें पता होता था सेविंग क्या है, बट स्टिल चले ये इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ पर्पज सर्व कर रही है। बट आखिरी कॉलम तो बिल्कुल ही मतलब यूजलेस है इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस। ओके जी, सो ये कुछ बातें थी अबाउट क्रशिंग जो आई वांटेड के आपको बताओ। एक अब क्वेश्चन है, अब हम आते हैं कि आपने सारा पढ़ लिया, फास्ट ट्रैकिंग, क्रशिंग, सारी ऑप्शंस देख ली, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? प्रॉब्लम ये आता है कि पीएमपी एग्जाम के अंदर जो आपसे पूछा जाता है ना, उसमें वो आइटम या वो जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो क्लियरली पूछा नहीं जाता उस तरह। आपके सामने एक एग्जांपल है, मैनेजमेंट हैज टोल्ड यू टू गेट द प्रोजेक्ट कंप्लीटेड 2 वीक्स अर्ली, जो भी पहले स्केड्यूल था उससे 2 हफ्ते अब पहले खत्म करना है, सो व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू डू फॉर यू? जी स्पॉन्सर, वैसे तो क्रैशिंग होती है लेकिन आई गेस पहले हम डिस्कस कर लेंगे स्पॉन्सर से कि हम कितना पे कर सकते हैं। ठीक है, और सबका यही आंसर है? मेरा तो यही है। आपका यही है। अच्छा अकीम, आपका प्रोजेक्ट के अंदर इस क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर पहली बात तो आप ये देखें कि कोई इंफॉर्मेशन आपको दी गई है ऐसी कि आप क्रैशिंग या फास्ट ट्रैकिंग में से कोई एक प्रेफर कर सको। अगर लेट्स से कोई ऐसा स्टेटमेंट होता जिसमें आप कहते या कोई कहता कि प्रोजेक्ट बजट इज ऑलरेडी टाइट एंड कस्टमर इज या स्पॉन्सर इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द बजट एंड सो एंड सो, तो पहली बात तो ये कि आप शायद जो है ना मतलब फिर उससे यू कुड मेक आउट कि यार बजट तो नहीं हो सकता, तो मे बी फास्ट ट्रैकिंग प्रेफर्ड हो, ठीक है। अच्छा, या रिस्क जो है वो यू डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, और इस तरह की कोई स्टेटमेंट है तो फिर आपको भी यार फास्ट ट्रैकिंग तो नहीं हो सकता, क्रैशिंग हो सकता है। लेकिन गिवन इन्फॉर्मेशन के अंदर दोनों ऑप्शन में से कौन सी चूज करनी है ये मुझे क्लियर नहीं हो सकता किसी भी सूरत, ये सफिशियंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इस वजह से मैं बेशक क्रैशिंग पहले हो या बेशक फास्ट ट्रैकिंग प्रेफर्ड हो,
आई डोंट नो अबाउट दैट क्योंकि सिचुएशन मुझे नहीं पता. तो एग्जाम के अंदर आपने ये देखा कि मैं राइट आंसर पे नहीं जा रहा, मैं जो गलत आंसर है उनको ड्रॉप कर रहा हूँ. राइट ऑप्शन का तो मुझे पता ही नहीं चल रहा इस इंफॉर्मेशन से कि क्रैशिंग बेहतर है या फास्ट रैंकिंग बेहतर है. तो यहाँ पे आपने इस टेक्निक को जरूर समझना है एग्जाम के अंदर या जो प्रैक्टिस सेशंस होंगे कि भाई मैंने आंसर किसी यू नो ट्रिक के थ्रू आंसर तक पहुँचना है. सो यहाँ पे मुझे ये चीज समझ आ गई कि क्रैशिंग एंड फास्ट रैंकिंग के दरमियान मैं नहीं डिसाइड कर सकता, इन्फॉर्मेशन बहुत कम बताई गई है. अब दूसरी बात, पहला है कंसल्ट द प्रोजेक्ट स्पॉन्सर और दूसरा एडवाइज द मैनेजमेंट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द चेंज. अगर मैं आपको, मैंने क्या बताया कि एक सिनेरियो आपको प्रेजेंट किया जाता है, पहला काम है उसका एनालिसिस करना, करेक्ट. एनालिसिस करने के बाद आपने अपने नेक्स्ट जो भी है स्पॉन्सर है मैनेजमेंट है वगैरह वगैरह, वो अब वो एनालिसिस आप खुद भी करेंगे, टीम के साथ भी मिलेंगे, ज़रा इसके अंदर भी फिर छोटे छोटे स्टेप्स हैं कि आप अपना प्लान कंसल्ट करेंगे, सबसे पहले अपना कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे और इस तरह की चीज़ें, और फिर टीम के साथ मशवरा करके ऑल्टरनेटिव्स देख के एंड देन यू वुड गो टू योर बॉस. अब वो बॉस नेक्स्ट जो भी लाइन में है. अब मैं अगर पहली वाली ऑप्शन देखता हूँ तो पहली वाली ऑप्शन में क्या आ रहा है, आपको लग रहा है कहीं पर एनालिसिस हुआ हुआ? नहीं. दूसरी वाली ऑप्शन में क्या है, ये लास्ट वाली ऑप्शन में एनालिसिस हुआ है, उसके बाद उन्होंने मैनेजमेंट उसके को बताया बाद आपको, हाँ बताया आपको इम्पैक्ट समझ आ गया और अब आप उनके पास जा रहे हो, ठीक है. अब पहले वाले में आपको वो एनालिसिस वाला स्टेप मिसिंग है. तो ये बात आपने देखी है, मतलब अगर मैं आपको ये कहूँ ना कि यार ये जो क्वेश्चन था इसके अंदर वो टॉपिक कहाँ पे है, हमने जो क्रैशिंग पढ़ी फास्ट ट्रैकिंग पढ़ी तो नजर तो कहीं भी नहीं आ रहा. सीधी सीधी आपसे बात की है, दो हफ्ते पीछे करना है, आप बताएं क्या करेंगे. मतलब देयर इज नथिंग इन दिस, बट आपको ओवरऑल जो बेस्ट जजमेंट है वो यूज करनी है एग्जाम के अंदर. दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ पीएमपी एग्जाम क्वेश्चंस. छोटी सी ब्रीफ सी स्टेटमेंट है, बड़े सीधे सीधे ऑप्शंस दिए हुए हैं और अब आपने अपना बेस्ट नॉलेज बेस्ट जजमेंट यूज करनी है कि गिवन सिनेरियो में क्या होगा. तो इसके लिए जो आपको मैं बार बार टिप्स बताता हूँ, स्पेशली जैसे अब ये था, ये पहले लेक्चर में भी हमने जिक्र किया कि पहले खुद एनालिसिस करोगे, उसके बाद जो ऑप्शन इसके बारे में बात कर रही है ऑल्दो वो एनालिसिस वाला लिखा नहीं है लेकिन उससे अगला स्टेप उन्होंने बता दिया. पहले वाले से ये लग रहा है कि मैं सीधा सीधा स्पॉन्सर के पास उठा के उसको कंसल्ट कर रहा हूँ, सर क्या करूं बताए, करेक्ट जी. अच्छा जी, अब हमने अगर देख अभी तक जो स्केजुअल नेटवर्क सॉरी जो डेवलप स्केजुअल वाला प्रोसेस है उसके अंदर जो टूल्स एंड टेक्निक्स पढ़े हैं, एक क्रिटिकल पाथ मेथड पढ़ा है, स्केजुअल कंप्रेशन का पढ़ा है. स्केजुअल कंप्रेशन के अंदर हमारे पास दो हैं जो अभी हमने देखा था, फास्ट ट्रैकिंग एंड क्रैशिंग, ये हमने दो बड़ी डिटेल में पढ़े हैं और यही दो हैं बेसिकली. उसके बाद आता है रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन. अभी तक अगर आप देखें तो हम क्या कह रहे हैं कि हम नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे, उसमें हम डिपेंडेंसीज देखेंगे और उसके बाद यू नो हम उन एक्टिविटीज का ड्यूरेशन चेक कर लेंगे, फिर क्रिटिकल पाथ, फिर फ्लोट और उनके साथ खेलेंगे. ये सब ठीक है लेकिन व्हाट इफ ये जो आपने जून के अंदर एक्टिविटी प्लान की है ये वाली और इसके ऊपर जिन पांच रिसोर्सेज ने काम करना है वो रिसोर्सेज में से तीन रिसोर्सेज इस मंथ में अवेलेबल ही नहीं है वो अपनी एनुअल लीव पे, लाइक ये हम कहते हैं दिसंबर के लास्ट 10 days है और ये प्रोजेक्ट एक्टिविटी यूरोप के किसी हिस्से में होनी है या वहाँ पे मेरे एक टीम ने वहाँ पे जाना है और वहाँ पे लोगों से काम करवाना है. तो आपके ख्याल में वो तीन लोग तो अवेलेबल हैं बट उन तीन दिनों में जिस पार्टी से उन्होंने मिलना है, जिस स्टेक होल्डर से मिलना है, वो छुट्टियों पे, आखिरी 10 दिन साल के आखिरी 10 दिन वो छुट्टी बंद है, सब कुछ बंद है वहाँ पे. सो अब ये जो एक प्रॉब्लम आ गया कि यार मेरी रिसोर्सेज उस वक्त अवेलेबल ना हो मे बी, या मैंने एक और मैं सिनेरियो आपको बताता हूँ. यहाँ पे मैंने तीन रिसोर्सेज लगाए, मिस्टर ए, मैम बी और मिस्टर सी, और हमने कहा कि ये तीनों काम करेंगे और ये प्रोजेक्ट 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा ये वाला सॉरी एक्टिविटी. एक और एक्टिविटी है उसको मैंने कहा कि यार ये यहाँ पे शुरू होगा और इसको इस पे जो लोग काम करेंगे वो होंगे मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, और ये काम ख़त्म होने में 7 days लगेंगे. अब आपको एक इसके अंदर बड़ी ऑब्वियसली फ्लॉ नज़र आ रहा होगा हमारे प्लान के अंदर. वो फ्लॉ क्या है? वो फ्लॉ ये है कि ए इधर भी काम करे और इधर भी काम करे, ये कैसे हो सकता है?
ठीक है, पैरेलल में वो दो जगहों पे कैसे काम करेगा। अच्छा, अगर तो हमने ये कंसीडर किया हुआ कि भाई ये जो 4 days लगाए हैं, हमने उसके पीछे वो जो बेसिस ऑफ एस्टिमेट है वो लिखा हुआ है कि ये 50% ऑफ द टाइम वो इस एक्टिविटी पे काम करेगा और 50% ऑफ द टाइम इस पे करेगा, फिर तो ठीक है। लेकिन लेट्स से हाइपोथेटिकली अभी कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, हमने ये अपना फुल एस्टिमेट के 100% इस पे काम कर रहा है और 100% इस पे भी कर रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट आ गया भाई, एक वक्त दो जगहों पे ये काम नहीं हो सकता। तो अब ये एक अगेन हमारे पास लिमिटेशन है जो हमने पहले नहीं सोची थी विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज। तो बिकॉज अब मुझे रिसोर्सेज की वजह से अपने इस प्लान के अंदर, इस कैजुअल के अंदर कुछ शिफ्ट करना पड़ रहा है। एक ऑप्शन तो ये है कि मैं पहले 4 दिन वो एक्स और वाई को इधर काम लगा दूं और वो शुरू कर लें, और ए और बी बाद में इनको लेटर पार्ट में ज्वाइन कर लें, लेकिन इससे ऑब्वियसली वो जो 7 days में काम होना है वो मे बी 9 days में हो। दूसरी ऑप्शन मेरे पास क्या है, इस एक्टिविटी को मैं स्टार्ट ही उस वक्त करूं जब रिसोर्सेज ए एंड बी यहाँ से फारे हो और 7 days में इधर लगा लूं, इट डिपेंड्स कि मेरा सिनेरियो क्या कहता है। सो अगेन अगर आप देखें तो हमने जो नेटवर्क डायग्राम और जो स्केड्यूल बनाया था उसमें हमने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं नहीं हैं, वो रिसोर्सेज कितनी कमिटेड हैं, वो ओवर एलोकेटेड तो नहीं हुई हुई, ये वाली चीज़ें हमने मतलब कंसिडर ही नहीं की। एक और ऑप्शन हो सकता है, मैंने अपने एस्टिमेट के अंदर लगाया 4-5 year वाली रिसोर्सेज लग सकती हैं, बट मुझे पता चलता है यार ये जो आपने लगाया हुआ ना 4 यहाँ पे लोग या यहाँ पे जो सॉरी हमने 4 लगाए थे नीचे, ये 4 इतनी रिसोर्सेज तो हमारे पास इस प्रोजेक्ट के लिए अवेलेबल ही नहीं है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 3 डेवलपर हैं या सिर्फ 3 लेट्स से वो जो सॉफ्टवेयर वाले एक्सपर्ट्स हैं या डिजाइनर हैं या ग्राफिक डिजाइनर हैं या कॉन्टेंट क्रिएटर, तो अब आपके पास रिसोर्स इतनी है ही नहीं जो आपने एस्टिमेट लगाया। अगेन इसके रिजल्ट में भी हमारा स्केड्यूल थोड़ा सा आगे चला जाएगा और हम ये देखेंगे कि भाई ये सॉरी अपनी रिसोर्सेज के मुताबिक अपने स्केड्यूल को दोबारा एडजस्ट करना पड़ेगा। सो डेवलप स्केड्यूल के अंदर आप हम अल्टीमेट एम हमारा ये है कि हम एक ऐसा स्केड्यूल बनाएं जो मैनेजमेंट की तरफ से गिवन कंस्ट्रेंट जो एंड ओवरऑल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है उसको भी मीट करें, एट द सेम टाइम जो दरमियान में मैनेजमेंट ने माइलस्टोन हमें बताए हैं कि इस तारीख तक ये लाजमी हो जाए, इस डेट तक ये काम भी हो जाए और इस डेट तक लेट्स से इलेक्ट्रिकल वर्क भी ख़त्म हो जाए, अब ये जो माइलस्टोन साथ में बताए हुए हैं कंस्ट्रेंट्स बताए हुए हमें ये भी मीट कर लें, तो हम एक ऐसा स्केड्यूल बनाएं जो रियलिस्टिक भी हो और इन तमाम कंस्ट्रेंट्स को भी एक्सेप्ट करता हो या उनको यू नो उनको कंप्लाई करता हो और एंड रिजल्ट को भी कंप्लाई करता हो या टोटल ड्यूरेशन को भी। एट द सेम टाइम हम ये भी कह रहे हैं कि भाई ऐसा करने की वजह से रिस्क ना बढ़ जाए, वो जो अभी हमने पिछली एक्सरसाइज की, ऐसा करने की वजह से हमारी कॉस्ट ना बढ़ जाए। तो शुरू में जब हम एक स्केड्यूल बनाते हैं तो उस वक्त तो हमारा ये मकसद होता है। अब मैंने आपको कहा कि पहला स्केड्यूल जब आप बना रहे हो तो उस स्केड्यूल के वक्त तो मे बी आपके पास जब प्लानिंग के वक्त जब हम काम कर रहे हैं तो प्लानिंग के वक्त हम इनिशियली अपना ऑप्टिमम जो भी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा था ऑप्टिमम सॉल्यूशन वो ढूंढेंगे कि बजट के अंदर भी रहे और ये भी रहे। बट व्हाट इफ मेरे पास सब टेक्निक्स करके फिर भी हमारा जो है ना प्रॉब्लम आ रहा है, अब ये जो प्रॉब्लम आ रहा है तो उसमें मे बी मुझे कॉस्ट को हम मे बी चूज करें कि यार कॉस्ट लगा लेते हैं टाइम बचा लेते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द प्रेफरेंसेस अगेन। अच्छा, और एक हमारा मकसद, ये मकसद अचीव करने के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, वो जो क्रिटिकल पाथ, अर्ली पाथ, फ्लोट कितना अवेलेबल है, कहाँ से रिसोर्सेज उधर से उठा सकता हूँ नहीं उठा सकता हूँ, फास्ट ट्रैकिंग कर लूँ, क्रैशिंग कर लूँ, बट ये वाला फैक्टर अभी तक हमने नहीं सोचा था कि रिसोर्स कब कब अवेलेबल है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने प्लान बनाते हुए एक्टिविटी नंबर 73 पे भी उन्हीं चार लोगों को लगाया हुआ है और एक्टिविटी नंबर 147 पर भी इन्हीं चार लोगों को लगाया हुआ है, तो अब ये कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। और यहाँ पे भी इसको हम कहते हैं ओवर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एक रिसोर्सेज अपनी जो 100% कैपेसिटी के लिए, ये सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स की बात नहीं है, ये बुलडोजर भी है, मैंने 4 बुलडोजर हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो मैंने इधर डिप्लॉय किए हैं, और उसी वक्त एक और एक्टिविटी में मैंने 4 बुलडोजर उधर भी किए हैं जो कि यहाँ से 25 किलोमीटर दूर एरिया, सो ये नहीं हो सकता। तो हम ऐसा देखना चाहेंगे कि यार अभी तक जो हमारा स्केड्यूल है उसके अंदर रिसोर्सेज की कंसीडरेशन या रिसोर्सेज का कंस्ट्रेंट नहीं आया, नाउ वी वुड लाइक टू मेक अ स्केड्यूल और प्रिपेयर अ स्केड्यूल, या अपने स्केड्यूल के अंदर वी वांट टू इंक्लूड द कंसीडरेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसको हम कहते हैं कि हम रिसोर्स कंस्ट्रेंट स्केड्यूल बनाना चाह रहे हैं,
रिसोर्स की बेसिस पे या रिसोर्सिस की कंस्ट्रेंट को सामने रखते हुए हम अपना स्केड्यूल बना रहे हैं। अब इसके लिए दो टेक्निक्स हैं, एक को हम कहते हैं रिसोर्स लेवलिंग और दूसरे को हम कहते हैं रिसोर्स स्मूदिंग। बेसिकली लेवलिंग मेरा पहला स्टेप है, स्मूदिंग मेरा सेकेंड स्टेप है। अच्छा, डायरेक्ट हम स्मूदिंग नहीं कर सकते, हमें पहले लेवलिंग करनी पड़ती है, और चाहे तो हम स्मूदिंग ना करें, बट इवन अगर फिर भी आपको लगता है कि यार मजीद थोड़ी सी ट्रिमिंग की जरूरत है, तो हम रिसोर्स स्मूदिंग पे चले जाते हैं। अब ये ट्रिमिंग का वर्ड आपको थोड़ी देर में समझ आएगा मैंने ये क्यों कहा। अच्छा, पहले बात तो ये कि जो रिसोर्स लेवलिंग है वो रिसोर्स कंस्ट्रेंड या रिसोर्स लिमिटेड स्केड्यूल जो है वो आपको बना के देता है। इसकी वजह से आपका अमूमन क्या, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द टाइम स्केड्यूल बढ़ जाता है, लंबा हो जाता है। जो अभी चल रहा है वो, जैसे अभी मैंने कहा कि भाई एक्टिविटी ए और बी और सी मैंने चार रिसोर्सेज या तीन रिसोर्सेज इधर लगाए हुए थे, और पैरेलल में ही मैंने इस दूसरी एक्टिविटी पे भी वही लोग लगाए थे। जब मैं ये कहूँगा कि यार ये नहीं हो सकता और इसको बाद में स्टार्ट करो, तो ऑब्वियसली बात है कि मेरा स्केड्यूल आगे चला जाएगा। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि यार यहाँ पे मेरे पास तीन दिन का या चार दिन का फ्लोट अवेलेबल था, ये जो मैं चार दिन आगे कर रहा हूँ उसके वो फ्लोट के अंदर ही था, वो जो फ्लोट है, वो जो मार्जिन है उसके अंदर रह के ही मैंने ये हरकत कर ली, तो फिर तो शायद मेरा क्रिटिकल पाथ चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं वो मैंने कंज्यूम कर लिया पूरे का पूरा फ्लोट, तो फिर यकीनन मेरा क्रिटिकल पाथ चेंज हो जाएगा और मेरा प्रोजेक्ट एक नया क्रिटिकल पाथ बन जाएगा, और उसकी वजह से मेरा स्केड्यूल आगे जाएगा ही जाएगा। सो इसकी वजह से स्केड्यूल आगे तो जाता है, लेकिन क्या वो टोटल ड्यूरेशन फिर भी आगे जाएगा या नहीं जाएगा, इसके लिए एक्चुअल में हम ये देखना पड़ेगा कि फ्लोट कितना है। अगर तो सारे का सारा फ्लोट कंज्यूम हो गया तो फिर तो ज़ाहिर है इसने आगे जाना है, लेकिन अगर सारे का सारा नहीं हुआ तो फिर विद इन दिस एंड डेट में भी स्केड्यूल आगे पीछे जाए। ओके, और इसकी वजह से कॉस्ट भी अमूमन, जब भी आप ज़रा एक्स्ट्रा टाइम अपनी रिसोर्सेज को यूज़ करोगे, पहले आपने एक महीने की तनख्वाह देनी थी, अब अगले महीने की भी आपको 15 दिन की एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगी, तो ये भी एक फैक्टर होता है जो टाइम की वजह से कॉस्ट इसलिए भी बढ़ जाती है बार दफा। एनीवेज, अच्छा, अब किन किन सिनेरियो के अंदर ये चीज़ें पॉसिबल हैं जो अभी मैंने वर्बली भी आपको थोड़ी सी देर पहले बताई, जरा आप इनको वन बाई वन देखते हैं। मैं ये कहता हूँ कि यार कुछ रिसोर्सेज ऐसी हैं जो क्रिटिकली रिक्वायर्ड है, मीन्स उनके बगैर मैं कुछ और नहीं लगा सकता, वही चाहिए मुझे, वही एक्सपर्ट्स हैं और नहीं है, या वो शेयर्ड रिसोर्सेज है, मुझे मल्टीपल जगहों पर यूज़ हो रहा है। अब ओनली एट अ सर्टेन टाइम, अगर जैसे मैंने कहा कि एक रिसोर्स है और उसने आना ही जून के मिड में, उससे पहले नहीं अवेलेबल होगा। अब ये कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी एक्सपर्ट, उसने लेट्स से यूके से आना है और उसी वक्त अवेलेबल होगी, या मेरी कोई प्रोजेक्ट टीम के जो मशीनरी या इक्विपमेंट है वो खास टाइम पे आनी है, तो इसका मतलब है कि ये एक्टिविटी मैं इससे पहले नहीं या इससे बाद भी नहीं स्केड्यूल कर सकता। अब ये वाला फैक्टर जैसे ही करूंगा तो वो जो मेरी ओरिजिनल नेटवर्क डायग्राम है वो आगे पीछे शिफ्ट हो जाएगी, मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे मैंने कहा इसकी वजह से स्केड्यूल आगे हो जाता है। अच्छा, दूसरा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इतने लोग हैं ही नहीं या इतनी मशीनरी है ही नहीं, जो मैंने एस्टिमेट लगाया हुआ कि चार दिन में एक्टिविटी खत्म होगी, और मेरी अजम्पशन ये है कि मैं दो बुलडोजर लगाऊंगा और पांच लोग इस पे लगाऊंगा। अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एक ही बुलडोजर है और तीन लोग ऐसे हैं जो इस काम परफॉर्म कर सकते हैं, तो मेरे पास लिमिटेड क्वांटिटी है, तो जाहिर है अब ये छह दिन में नहीं होगा, अब ये काम मे बी दस दिन में हो या आठ दिन में। तीसरा, ओवर एलोकेटेड है। ओवर एलोकेटेड का भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मैं एक एक्टिविटी पे भी मिस्टर ए, मिस्टर मैम बी और मिस्टर सी लगा दिया, और दूसरी एक्टिविटी पे भी लेट से बी या सी, इधर कॉमन है और भी कुछ लोग हैं एक्स वाई जी, वो इधर भी लगा दिए, तो बी इधर भी है और इधर भी है, ये तो नहीं हो सकता, ये बी ओवर एलोकेट हो गया, अपनी 100% कैपेसिटी से ज्यादा हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें अपना स्केड्यूल थोड़ा सा आगे मूव करना पड़ेगा। जब ये वाली एक्टिविटी फारिग हो जाएगा बी यहाँ से, तो फिर आएगा। सो इस किस्म की चीज़ें। अच्छा, फिर हमारे पास एक आखिरी पॉइंट है जो लेवलिंग के लिए, बेसिकली जो आपको लेवलिंग का मीनिंग समझ आएगा ना वो इस चीज से आएगा। लेवलिंग का मीनिंग ये है यहाँ पे, मतलब एक और तरह से मैं बात कर रहा हूँ, वो ये कि मैं एक स्पेसिफिक क्वांटिटी और यू नो यूसेज ऑफ रिसोर्सेज रखना चाह रहा हूँ। मैं एक उन्हें आपको इस पर एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे मेरी एक्टिविटी है, सॉरी
ये प्रोजेक्ट की एक्टिविटी है और ये वीक्स है या मंथ्स है नीचे जो भी है। अच्छा अब इस वाई एक्सिस पे मैं आवर्स की टर्म में बात कर रहा हूँ वर्किंग आवर्स, और 8 आवर्स जो है ना वो मेरा लेट्स से वर्किंग टाइम है एक दिन का। अच्छा अब मैं पहले दिन वो जो वहाँ पे रिसोर्सेज को देखता हूँ या जो मैंने एलोकेशन की है उसके मुताबिक वो रिसोर्सेज ऑलमोस्ट 10 आवर्स का काम मैंने एलोकेट कर दिया हुआ है। तो जितना काम जैसे मैंने कहा ना एक्टिविटीज के ऊपर मैंने किया वो ए इधर भी था और ए इधर भी था और यू नो इसकी वजह से मैं अगर टोटल देखूंगा तो उसका टोटल टाइम मे बी 16 आवर्स हो गया हो या 14 आवर्स हो गया हो, डिपेंड करता है मैंने उसकी कितनी यूटिलिटी यहाँ पर रखी है। अच्छा इसी तरह और कुछ रिसोर्सेज हैं वो यहाँ पे इस तरह, फिर नेक्स्ट वीक के अंदर वो रिसोर्स इतनी यूज हो रही है, उससे अगले वीक इतनी हो रही है, फिर आप देखते हो कि यार इतनी हो रही है, फिर आप देखते हो कि इतनी हो रही है, ठीक है अगले वीक में फिर इतनी हो रही है, फिर उससे अगले वीक में मे बी हो ही नहीं रही, फिर आप देखते हो इतनी हो रही है। अब ये जो चीज है ये बहुत ही अब्रप्ट किस्म का, मतलब हमारा ये स्केड्यूल अब्रप्ट नहीं कहना चाहिए, इनकंसिस्टेंट किस्म का स्केड्यूल है। मैं ये कहता हूँ कि यार वर्किंग डेज या वर्किंग आवर्स 8 है, एनीथिंग जो इस 8 घंटे से ऊपर एलोकेट हुई हुई है आई वुड वॉन्ट और आई वुड लाइक कि इसको मैं उठा लूँ, ये वाली चीज मुझे आगे शिफ्ट करनी पड़ेगी, ये जो एक्स्ट्रा काम है ये आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैं इन जगहों पे, ये वो है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो फ्लोट्स हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है वो शायद कंज्यूम हो जाएगी मेरी पूरी की पूरी। चले मैं ये कहता हूँ कि ये वाला काम मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। अच्छा और इसी तरह ये वाला जो एक्स्ट्रा था वो लेट्स से मैंने इधर कर दिया। अच्छा ये वाला जो एक्स्ट्रा था वो मैंने कुछ इधर किया और कुछ लेट से इधर किया, ये वाला जो मैंने एक्स्ट्रा था वो यहाँ पे किया, और अब मेरे पास जो नया आप कह लें कि ये इसकी डायग्राम बनी वो कुछ इस तरह से बनी, ये वाला वो 1, 2, 3 ठीक है। अब एग्जैक्टली वो वाला शायद ना हो लेकिन ये 8 आवर्स वाली लाइन समझ लें आप वो है, और ये 100% बिल्कुल पूरे दिन का काम मैं करवा रहा हूँ लोगों से, ये भी 100% हो रहा है, उससे आगे वाला शायद इतना हो रहा हो क्योंकि काफी हद तक मैंने चीजों को आगे शिफ्ट कर लिया, स्मूथ तो कर लिया या लेवल तो कर लिया, ठीक है, बट स्टिल थोड़ा बहुत मेरे पास मार्जिन अवेलेबल है एंड सो ऑन। अब ये जो मैंने किया, अब मेरा वो जो पीक्स थी बहुत ज्यादा वो मैंने लेवल आउट कर दी हुई है, ठीक है, और मैंने किया ये था कि मैंने वो रिसोर्सिस का जो जो फ्लोट मेरे पास अवेलेबल था वो कर दिया, बट इवन देन वो सब करने के बावजूद भी अगर मैं देखूं तो अभी भी मेरे पास कुछ ना कुछ फ्लोट अवेलेबल है। अब स्मूदिंग जो है ना वो इससे अगला स्टेप है, वो ये कि जब लेवलिंग हो जाती है तो फिर भी मैं देखता हूं अगर कोई मार्जिन अवेलेबल है फ्लोट के अंदर रहते हुए तो मैं उसको भी यूटिलाइज करके इसको फर्दर स्मूथ कर देता हूँ अपनी रूटीन को। उसमें यह होता है कि भाई ऐसा नहीं होगा कि किसी दिन आधी छुट्टी होगी और किसी दिन पूरा काम होगा और किसी दिन फारिग बैठेंगे, ऐसा नहीं होगा, एक लेवल पे मैं काम करूंगा बिल्कुल स्मूथ तरीके से। तो उसमें मैं क्या करता हूँ कि ये जो मार्जिन अवेलेबल बाकी रह जाता है मैं उसको भी यूटिलाइज करता हूँ, लेकिन स्मूदिंग तब होगी जब लेवलिंग हो चुकी होगी, उसके बाद मैं ये स्मूथ करूंगा। और लेवलिंग के अंदर जैसे मैंने कहा लेवलिंग के अंदर हो सकता है देयर इज अ चांस कि आप अपने पूरे के पूरे फ्लोट को कंज्यूम कर लें, लेकिन स्मूदिंग के अंदर आप 100% ये जो सॉरी फ्लोट है उसके अंदर रह के बात करते हैं। तो उसका एक इफेक्ट ये है कि जब लेवलिंग हम कर रहे होते हैं तो स्केड्यूल आगे चला जाता है, वाई, क्योंकि मेरा पास फ्लोट जो है वो मैं पूरा का पूरा कंज्यूम कर देता हूँ। आप सोचें ना यहाँ पे 16 आवर्स का हमने एलोकेशन की हुई थी, अब इसको जब मैं उठाऊंगा तो आगे मेरे पास इतना फ्लोट अवेलेबल ही नहीं था, मैं उससे आगे चला गया, मैं उससे आगे चला गया, तो जाहिर है वो जो एक एक्टिविटी मैंने इधर एक दिन में की थी वो 3 दिन में जाके पूरी हो रही है, तो जाहिर है उसकी वजह से मेरा फ्लोट भी एक्स्ट्रा लग जाता है। लेकिन ये जो स्मूदिंग है ना ये तो हम यही सोच के करते हैं कि अभी भी कोई फ्लोट या मार्जिन अवेलेबल है तो इसको एडजस्ट कर दो टू फर्दर स्मूदन दिस थिंग। सो ये है लेवलिंग और उसका कॉन्सेप्ट। अब जरा अगर आप इसको पढ़ें, सो देयर इज अ नीड टू कीप रिसोर्स यूसेज एट अ कॉन्स्टेंट लेवल। आप ये नहीं करते कि यार एक दिन 4 इंजीनियर चाहिए, अगले दिन 2 इलेक्ट्रिकल लोग चाहिए।